न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दिए गए नारे अब की बार 400 पार से, जहां विपक्ष की रातों की नींद हराम कर दी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महिलाओं ने नारी शक्ति मैराथन दौड़ का आयोजन कर मोदी जी के सपना अब की बार 400 पार सीट दिलाने के लिए पुरजोर मेहनत शुरू कर दी। इसी कड़ी में कानपुर के सिविल लाइन स्थित महात्मा गांधी कॉलेज के गेट से मैराथन दौड़ का आयोजन कर आम जनमानस से अपील की गई कि इस देश की आधी आबादी महिलाएं अपने मत का इस्तेमाल मोदी के आह्वान पर करेंगी, क्योंकि मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत से काम किए हैं। उद्देश्य सिर्फ कोई हमारी ना महिला शक्ति सशक्तिकरण को बताना है कि हमारी महिलाओं के लिए कितना काम मोदी सरकार जी के द्वारा कर दिया गया है और आने वाले समय में भी वही करा जाएगा। इसलिए इस सरकार को पुनः बनाना है और अब किसे 400 पार करके निर्दलीय जो हमारे विपक्ष की पार्टी है उसको सिर्फ दर्शक दीर्घा तक पहुँचाना है। जी महिलाओं का महिला और बेटियों का दोनों का क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज यही देना है हमें कि हमारे पास और कोई सरकार का वो नहीं है कि हम है ना किसी और सरकार को। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र की रहने वाली आसमा पत्नी परवेज आलम कानपुर कमिश्नर कार्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने बताया कि आसमा की शादी के 2 साल हो गए हैं और उनसे शादी के बाद एक बच्चा भी है। इस दौरान पीड़िता आसमा ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। इसके साथ ही पीड़िता आसमा ने पैसे लेने का दबाव बनाने लगे। आसमा ने बताया कि परिवार बचाने के लिए उसने एक बार ससुराल वालों को 1 लाख रुपए दिए, लेकिन ससुराल वालों ने आसमा पर लगातार पैसे का दबाव बनाया। आसमा ने अपने देवर पर भी आरोप लगाया कि देवर आए दिन पीड़िता के साथ छेड़छाड़ भी करता था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने अपनी सास से की, जिस पर उन्होंने उल्टा आसमा को ही गलत ठहरा दिया। वहीं जो पीड़िता ने अत्याचार की खबर अपने पति को दी, उल्टा पति ने भी आसमा को अपने साथ रखने से मना कर दिया, जिसके बाद न्याय की आस में पीड़िता ने कमिश्नर ऑफिस में गुहार लगाई है। लेकर के आज यहां आई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ससुराल में रहते हैं, हस्बैंड बाहर चले गए, कैद 1.5 साल हो गए उनको गए हुए और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और वहां रहने गए थे तो सास और नंद और देवर ने मार के भगा दिया। देवर छेड़छाड़ भी करता है, मार पीट के पूरा जेवर भी छीना लिया और हमको घर से निकाल दिया। 1 साल हो गया हम अपने महके में, केस किया हमने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी शौहर से बात होती है? कोई बात नहीं होती, उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा हुआ है। तो आखिरी बार जब बात होती तो जब बात बताई तो क्यों ब्लैक लिस्ट? कानपुर के रमा देवी चौराहे पर लग रही सब्जी मंडी से बाधित हो रहे नेशनल हाईवे यातायात को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने फुटकर दुकानदारों को पुल के नीचे और थोक व्यापारियों के लिए रूमा क्षेत्र में स्थानांतरित करने के उद्देश्य से पुल के नीचे 367 सब्जी दुकानों को पुल के नीचे दुकान लगाने का काम चल रहा था, लेकिन कुछ फुटकर दुकानदार जो सालों से मंडी में दुकान लगा रहे थे उनको जगह नहीं मिली, जिससे हंगामा शुरू हो गया। और उनका कहना है कि नगर निगम ने सेटिंग करके कुछ दुकानदारों से नवीन सब्जी मंडी अपने नाम से जगह करके जो सालों से दुकान लगा रहे प्राणी मंडी में उनको दरकिनार कर दिया, जिसको लेकर हंगामा और बवाल हुआ। हंगामे की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने हंगामा कर रहे दुकानदारों को शांत कर अपनी निर्धारित जगह पर सब्जी दुकान लगाने की गुजारिश की। क्या किस चीज का हंगामा किया जा रहा है? हंगामा जो ये रामा देवी सब्जी वाले हटा के यहाँ भेजे गए पुल के नीचे, तो सब्जी वालों को जगह ना मिल के क्षेत्रीय लोग जो है अपना पट्टा बिछा के ये मेरी जगह है ये मेरी जगह है। अब वो सब्जी वाले बेचारे सब्जी कहाँ लगाएंगे, उसी को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है और इसीलिए आज विवाद हुआ तो लोग थाने गए। थाने से फोर्स आई है और फोर्स आने के बाद बताया कि जितने भी फालतू लोग यहाँ हटाए जाए। क्या कुछ कहा जा रहा है? नेता घुस रहे हैं? हाँ कुछ व्यक्ति विशेष झांसी के रक्सा थाना पुलिस ने 5 महीने पहले शिवपुरी हाईवे पर हुई महिला से जेवरात लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को दबोच कर उनके कब्जे से 2 तमंचे 4 कारतूस घटना में इस्तेमाल बाइक सहित 52,000 की नकदी बरामद कर ली है। सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 अगस्त को ग्राम गुड़ा निवासी भगवान दास का पुत्र अपनी बहन को ससुराल सिमराह से बाइक से मायके लेकर आ रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार 3 युवकों ने उन्हें रोक लिया और तमंचा अड़ाकर उसकी बेटी के सोने चांदी के जेवरात लूट लिए थे। फिलहाल पुलिस ने इसका खुलासा कर लिया है, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र प्रवीण कुमार द्वारा थाना रामनगर क्षेत्र का चल रहे फाल्गुनी महाशिवरात्रि मेले में विभिन्न जनपदों से आने वाले श्रद्धालु कावड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत लोधेश्वर महादेव मंदिर परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। महादेव द्वारा वाहनों की पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया।
देखिए महाशिवरात्रि का ये पर्व है, यहाँ पर लोधेश्वर महादेव में बुंदेलखंड और बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। उन कांवड़ियों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। यातायात को लेकर के भी व्यवस्थाएं की गई हैं, डाइवर्जेंस जहाँ जहाँ पे आवश्यक है वहाँ पे किया जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं की जा रही ताकि सुगंधा पूर्वक इनके दर्शन हो सके। पूरे क्षेत्र में हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं और जगह जगह पर लोगों का सतर्क दृष्टि रहेगी और किस भीड़ प्रबंधन के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव पूरी तरीके से बना रहा है, इसकी सभी लोगों से संवाद बनाए गए हैं और सभी प्रकार से सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि सभी लोग शिवरात्रि के इस पर्व को बहुत उत्साह और उल्लास के साथ मनाएं। झांसी के महिंदपुरी कॉलोनी के लोग बैठे धरने पर, दर्जनों लोग लाइट चौराहे पर बैठे धरने पर। महिंदपुरी कॉलोनी में कई घरों में हो चुकी चोरी की घटनाएं, चोरी का खुलासा न होने से नाराज लोग लगातार पुलिस पर सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कौन गांव के हैं? क्या समस्या है? ये समस्या है, वो ले पड़े इसमें कुछ नहीं बचा, 100% में 100% नुकसान है, एक एक भी फल में दान नहीं है। कौन सी फसल है? मटर, मटर की फसल है और गेहूं की भी फसल है। देखो गेहूं की भी कानपुर में शटल सेवा शुरू करने परीक्षा चालकों का हंगामा जमकर देखने के लिए मिला। कहा कि रोजी रोटी को कहां जाएं हम, सवारी वाहनों ने शहर का यातायात ध्वस्त कर दिया है, जिसको देखते आए दिन जाम का सामना आम पब्लिक को करना पड़ता है। वहीं आज के समय में हर शहर में हर चौराहे पर रिक्शा की भरमार है। वैसे तो कानपुर शहर में जगह जगह रिक्शा की भरमार है, वहीं रिक्शा से हजारों परिवार को पालन पोषण होता है। कई व्यस्तम चौराहों पर जाम को देख प्रशासन ने जाम से निजात दिलाने के लिए फ्री जोन बनाने का निर्णय लिया। उसको देखते हुए रिक्शा चालकों ने रास्ता बंद कर हंगामा शुरू कर दिया। रिक्शा जोन के विरोध में हंगामा, टाटमिल और घंटाघर चौराहे को ई रिक्शा फ्री जोन करने के विरोध में बाकरगंज चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। देखिए घंटाघर का जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको व्यवस्थित और सुदृढ़ करने के लिए एक नया प्रयोग किया गया था, जिसमें नौबस्ता साइड से जो भी ई रिक्शे, ऑटो, टेम्पो आते थे उनको बाकरगंज चौराहा है वहां तक अलाउ किया गया था। उसके बाद बाकरगंज से घंटाघर टाटमिल होते हुए और घंटाघर टू बाकरगंज वहां से कुछ रिक्शे मतलब विक्रम चिन्हित किए गए थे 45-50 के लगभग संख्या में उनको। वही बहराइच में दो बाइकों के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीएससी मोतीपुर भर्ती कराया घायल को और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोतीपुर क्षेत्र नानपारा लखीमपुर नेशनल हाईवे की पूरी घटना बताई जा रही है। कासगंज में भाजपा महिला मोर्चा ने रैली निकाली। नारी शक्ति वंदन यात्रा के तहत महिला मोर्चा ने रैली निकाली। रैली में महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नाम के नारे लगाए। कहा प्रधानमंत्री ने महिलाओं को दिया 33% आरक्षण। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा हर क्षेत्र में महिलाओं की तरक्की सम्मान के काम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे कार्य से महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है। रैली भाजपा कार्यालय से शुरू होकर मेन बाजार से होती हुई पुनः भाजपा कार्यालय पर खत्म हुई। महिला शक्ति वंदन मैराथन दौड़ में पुलिस, होमगार्ड, खेल विभाग सहित विभिन्न विभागों की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट परिसर तक आयोजित इस मैराथन दौड़ में मनेरा स्पोर्ट्स हॉस्टल की खुशी पाल ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि फायर सर्विस की प्रीति रावत द्वितीय, होमगार्ड्स की सोनिका सवाल तृतीय, मनेरा हॉस्टल की दीपिका चंद चौथे और भूमिका पांचवें स्थान पर रही। कासगंज में सगे भाई और मामा की लड़की की जान का दुश्मन बन गया। फोन पर अपनी बहन को उसके प्रेमी से बात करता देख उसके साथ पहले जमकर मारपीट की और फिर हत्या की योजना बनाकर उसे मौत के घाट उतारने की पूरी तैयारी कर ली। भाई और मामा ने ऑनर किलिंग की घटना को अंजाम देने के लिए लड़की को मामा द्वारा बहती हजारा नदी में फेंकने का मामला सामने आया है। दिनांक 3 एवं 4 फरवरी 2024 की रात्रि लगभग 3:30 बजे एक महिला जिनका नाम रितिका पुत्री अशोक कुमार निवासी सोहरखा जनपद गौतम बुद्ध नगर के द्वारा कोतवाली ढोलना पर पहुंचकर यह सूचना दी गई कि उनके भाई नितिन एवं गोलू के द्वारा उनको गोली मारी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके भाई उनके प्रेम प्रसंग से खुश नहीं थे, उनको इसमें आपत्ति थी जिसका
बलरामपुर जिले में साल 2018 में हुई एक दुष्कर्म की घटना पर जिला और सत्र न्यायाधीश ने कड़ी सजा सुनाई। दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा और पीड़िता को न्याय देने का काम किया गया। जिला और सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने गवाह साक्ष्य में दोषी पाए जाने पर आरोपी पर 1.5 लाख रुपए का दंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना रेरा बाजार में आज्ञा बुजुर्ग जलाल डी निवासी शफीक पुत्र मोहम्मद अजीज पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और अब इस पर फैसला सुनाया गया है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में तहसील प्रांगण मऊरानीपुर में विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए नायब तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी झांसी को ज्ञापन सौंपा गया। लगातार कई दिनों से रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि आंधी तूफान के चलते जनपद झांसी के ग्रामीण अंचलों में किसानों के खेतों में बोई चना, मटर, राय, गेहूं, मसूर की फसलें नष्ट हो गई है, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान है, जिसकी वजह से कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है किसानों के साथ। क्या नाम है आपका? कौन गांव के हैं? क्या समस्या है? ये समस्या है, बोले पड़े इसमें कुछ नहीं बचा, 100% में 100% नुकसान है। देखिए एक भी फल में दान नहीं है। कौन सी फसल है? मटर, मटर की फसल है और गेहूं की भी फसल है। देखो गेहूं की भी दवाई नहीं झड़ रही। मंगलौर गुड़ मंडी में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थी सम्मान योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई विकास कार्यों के लोकार्पण किए गए। साथ ही लाभार्थी सम्मान योजना में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में पहुंचे हरिद्वार सांसद निशंक पोखरियाल ने कहा कि भारत सरकार ने देश में विकास की गंगा बहा दी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की जल परियोजना की सौगात दी है। धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश मॉडल बनने को लगातार अग्रसर है। या आयुष्मान भारत योजना की बात करें, हर घर नल से जल की बात करें, या वैक्सीन देने की बात हो, या अन्न उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे लखपति दीदी बनाने की बात हो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो काफी समय लग जाएगा भाइयों बहनों, लेकिन वो योजनाएं हम गिनाते गिनाते वो पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। अगर लाभार्थियों के बीच में हम आए तो मैं कह सकता हूं कि आज देश का हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। हमीरपुर में स्कूली छात्रों से भरी वैन स्टेट हाईवे के ड्राइवर से टकरा गई। सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, 2 छात्रों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायल छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 छात्रों को गंभीर हालत में कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। महर्षि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में थाना कुरारा के जखोलार परीक्षा केंद्र से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। मामला थाना कुरारा क्षेत्र के पतारा गांव के पास स्टेट हाईवे में हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।